अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम के साथ मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं महंगाई के ऊपर और खास तौर पर जो आटे की कीमत जो बढ़ रही है उसके ऊपर। जब से ये मुल्क बना है, आवाम रोटी और कपड़ा और मकान के पीछे पिस रही है। यहाँ के अशराफिया अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और आवाम गरीब से गरीब तर रह जाती है। हर हुक्मरान ने आवाम के फलाह बहबूद के लिए नारा लगाया, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं बदला। मुल्क पहले भी नाजुक हालात में था और अब भी नाजुक हालात में है। हमारे बादशाह मुल्क को आज़ाद होने वाले हमसे आगे निकल चुके हैं और हमारे हुक्मरान आज भी आलमी बिरादरी के सामने इमदाद की अपील के लिए हाथ फैलाते रहते हैं। इमदाद तो आती रहती है, मुकम्मल मुद्दत और फंड्स भी मिलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये पैसा जाता कहाँ है। इस मुल्क में आवाम को रोटी और कपड़ा जो है वो पूरा नहीं मिलता, मकान तो दूर की बात है। एक आम शख्स की सारी जिंदगी दो वक्त की रोटी के लिए कमाने में महज पूरी गुजर जाती है। गरीब शख्स तो बड़े चीजों के ख्वाब भी नहीं देखता। बस गरीब इंसान वही चाहता है कि मुझे दो गज जो है ना कब्र भी सुकून से मिल जाए। इस महंगाई के दौर में वो अच्छी तालीम, अपनी सवारी तफरी के लिए घर या प्लाट या पुरआशाइश जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान हुकूमती खजाने के ऊपर दुनिया घूमते रहते हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया से ताल्लुक रखते हो, वहाँ आवाम गरीब और मुफलिस रहती है। सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, हम दुनिया की तरफ इमदाद तलब के नजर से देखते रहते हैं, लेकिन जब सियासी मामला दरपेश हो तो हमारे हुक्मरानों की जो तिजोरियां हैं उनका मुना खुल जाता है। अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगाते। इस वक्त हर शोबा जबून हाली का शिकार है, मगर महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अगर महंगाई की बात करें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुल्क में रोटी गरीब के पहुंच से दूर हो चुकी है और शहरी आटे की कीमतों से सख्त परेशान है। पाकिस्तान में आम आदमी का नए रोज आई लहर से वास्ता पड़ता है और आपको ये मालूम भी होगा, सिंध के एक इलाके मीरपुर खास में आटा जो तकसीम हो रहा था, आटा कम था मगर लोग जो है ज्यादा थे। उस दबक पीर में एक गरीब मजदूर हरसिंह कोहली रश और हद की वजह से जाम भाग हो गए। जब वो जमीन पे पड़ा था तो उसके पास किसी ने आटे का थैला रख दिया। जिंदगी में तो आटा उसको नहीं मिल सका, लेकिन उसके बेजान जिस खाली के नजदीक एक आटे का थैला रख दिया गया। ये कैसा निजाम है, इसमें इतनी बेहसी और साफाकी क्यों है। गरीब मजदूर के 7 बच्चे थे, अपने घर का वो वाहिद कफील था। गरीब मजदूर के वरसाए ने उसकी लाश जो है रख कर एहतियात किया और उसके बाद इंतजाम में आई फूड डायरेक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराने का यकीन दहानी कराई और एजाज खत्म करवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर इंसाफ किसको मिलता है। अब कोई सियासी रहनुमा जाएगा, चंद हजार का चेक देकर गरीब मजदूर के वरसाए के साथ दादरसी करेगा और बाद में भूल जाएगा, या तो सिर्फ उसके घर वालों को रहेगा, वो कहेंगे आटा लेने गया था लेकिन वापस नहीं आया, और बेहस लोगों ने उसके बेजान जिस खाली के पास आटे का थैला रखकर सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है वायरल कर दी। एहसास दिल तो इस खबर को सुनकर तड़प रहे होंगे, लेकिन सफाक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वीडियो मेरी नजरों से आज जो है व्हाट्सएप पर गुजरी, वो आप पहले मुलाहजा फरमाइए।
नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी और आप खुद भी इसको देखकर रो पड़े होंगे। कैसे ये एक आम आदमी गरीब हमारे हुक्मरानों को चीख चीख कर पुकार रहा है, बिलावल भुट्टो साहब को, सीएम मुराद अली शाह को और दूसरे हुक्मरानों को, और वहाँ के जो एमपी एमएनए हैं उनका भी वो नाम वाजे ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे हुक्मरानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आवाम भूखी रहे, मरे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है हुकूमत के जो खजानों पे दुनिया के सफर करते रहते हैं, लेकिन उनको गरीब आवाम की कोई भी फिक्र नहीं होती। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को कुछ ना दे, कम से कम दो वक्त की रोटी जो है इज्जत और इत्राम से दे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।